नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे SBI क्लर्क, राइट। SBI क्लर्क जो पिछले 3 साल हैं, लास्ट 3 ईयर्स के 2018, 19 एंड 20, राइट। इसमें जो अप्रोक्सीमेशंस और सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट SBI क्लर्क 2021 की तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उनके लिए एक हेल्पफुल सेशंस रह सकता है, देख सकता है वह किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड ये आज का पार्ट आपका 3 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में मैंने 2018 का अपलोड किया था, पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में मैंने अपलोड किया था, दैट इज द 2019 एंड 2020 का अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इन दो जो पार्ट मैंने अपलोड किए हैं उनको एक बार जरूर देखिएगा। इतनी गारंटी है एग्जाम्स में आपको, ये जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना, तो प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप में मिलेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वह भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा, या कोई अपडेट हो तो भी मिल जाएगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, औरों के साथ शेयर करिएगा। और किसी भी प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी प्रकार मैंने जो मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट 3 ईयर्स में, उनका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके एक बार जरूर देखिएगा, लेवल चेक करिए, पैटर्न चेक करिए, 100% प्रैक्टिस में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जो भी स्टूडेंट फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम्स देंगे, राइट, अगर मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, राइट, एक तरह से कह सकते हैं कट ऑफ क्लियर हो सके, कट ऑफ मैथ की नहीं, एक अच्छे मार्क्स, एक 30+ अच्छे मार्क्स आपके बनते हैं, राइट। 30+ मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को, बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है आप सभी के लिए शेयर की है, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है, राइट, बहुत ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। ओके, एंड प्रीवियस ईयर्स मैथ का पेपर जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डिमांड करते हैं, प्रीवियस ईयर्स यानी कि लास्ट ईयर 2020 का जो प्रीवियस ईयर्स का मैथ का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर्स था, जो मैंने एक तरह से अपलोड किया है मेरे चैनल्स पे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, VS एजुकेशन हब नाम से टेलीग्राम चैनल्स, वहाँ पर ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको मैं बताते चलूँ। देखिए, मैथ में जो एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, मैथ में अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, राइट, प्री में, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 3 चीज़ें हैं उसको जरूर फॉलो करिए। फर्स्ट थिंग, 1 से लगाकर यानी कि 1 to 30 तक, सॉरी 1 to 30 तक टेबल्स, राइट। उसके बाद 1 to 50 तक आप स्क्वायर, उसके बाद 1 to 20 तक क्यूब, राइट, टेबल्स स्क्वायर क्यूब, ये सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं इतने अच्छे कंठस्थ होने चाहिए, राइट, कभी भी कहीं पे भी आपको पूछा जाए ना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, राइट। मेरी गारंटी है, आप पहले इनको करिए, कुछ भी मत देखिए मैथ में, पहले इन 3 चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। एक चार्ट आता है उसको बनाकर अपने जहाँ पर स्टडी रूम है उसमें चिपका लीजिए, जब भी टाइम मिले तुरंत रिवाइज कर लिया, ऐसे दिखा आपको लिखा हुआ देखने पर बहुत अच्छे से याद रहता है। तो प्लीज़ पहले इसको फॉलो करिए, अच्छे से याद करिए इनको,
एग्जाम्स में, मैथ में, अर्थमेटिक हो, डीआई हो, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, सभी में आपको बहुत हेल्प करेगा। एक तरह से कह सकते हैं जैसे मकान, जैसे किसी घर है, कोई होम है, वो बनाते हैं तो अपनी जो नींव है राइट, वह मजबूत होती है ना, उसी प्रकार मैथ में यह एक नींव का काम करते हैं। अगर ये आपके मजबूत हैं, स्ट्रांग है, मैथ में मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। टाइम जो सेविंग होती है इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट। पिछले लास्ट 3 वीडियोज़ में देख लीजिएगा, लास्ट के 2 वीडियोज़ में, इस वीडियो में ये बहुत काम आएंगे अगर आपने अच्छी इसकी तैयारी करके रखी है तो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 144 रूट में प्लस 169 रूट में इंटू 3 एंड एक्स बराबर 5, एक्स अपॉन 5। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको इनका स्क्वायर, 144 किसका होता है, 169 किसका होता है, ये मैंने जैसा कि कहा था आपको याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चंस बहुत इजी है। तो 144 स्क्वायर होता है 12 का, 169 होता है 3 का, राइट। ब्रैकेट शोल हुआ बॉड मास में, इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, राइट, एक्स अपॉन 5। तो 12 इंटू 13 दैट मीन्स 25 इंटू का आपके 3 रहा एंड इज इक्वल टू, क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से, ये तो वैसे तो विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चंस है, बट जो मेरे न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको मैं बताते चलता हूँ। तो x बराबर कितना बच गया, x इज इक्वल टू 25, ये 5 इधर आके मल्टीप्लीकेशंस पे, इंटू 15। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बता चुका हूँ मैं, जो ट्रिकी मैथ है, जो पीछे दोनों टर्म्स अगर 5 हो, यहाँ पर देखिए 25 में 5 पीछे, 15 में 5 पीछे, तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। देखिए ऑड इवन राइट, यहाँ पर अपने को मल्टीप्लीकेशन करनी है 25 इंटू 15 की। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 75 लिखिए। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसे कैसे, देखिए ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म्स 5 होने चाहिए तभी ये क्लिक, ये जो ट्रिक है वो काम करेगी, दोनों टर्म्स जो पीछे वाले दोनों टर्म्स है। ओके, अब देखिए 75 मैंने इसलिए लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इन संख्याओं का योग है, यानी कि 2+1, यानी कि 2+1 या 1+2 है, इन दोनों का योग होता है 3, जो कि एक ओड संख्या यानी कि विषम संख्या है, तो अपन ने यहाँ पर 75 मेंशन कर दिया है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 2+2 4 होता, 2+2 राइट, तो वो तो 20 यानी 4+2 होता तो इसका योग होता है 6, तो अपन यहाँ पर 25 लिखते पीछे, राइट। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में समझाया है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, बट मोटा मोटी तरीके से एक बार देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ओड संख्या है तो अपन ने 75 लिख दिया, ओड मतलब जिसको विषम कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर इवन होती जिसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर 25 हो जाता पीछे, ठीक। अब सेकेंड चीज इन दोनों का 2+1, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टर्म्स की कैलकुलेशन करिए, राइट, 2 into 1 यानी कि 3 बचा, 3, 2 into 1 यानी कि 2 आपका, सॉरी 3 नहीं 2, ओके। फिर आपका इन दोनों टर्म्स को ऐड करके, दोनों टर्म्स को ऐड किया प्लस में, ओके, 2+1 यानी कि 3 माइनस का 1, राइट, माइनस का 1 आपको करना है, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़ी संख्या होती है तो ये एक फॉर्मूला ही आपको लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2+1 -1 यानी कि 2 बचा, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ के 375, ओके। अगर सम संख्या होती है यहाँ पर तो एक सम संख्या का भी एग्जाम्पल्स मैं आपको ले लेता हूँ, सपोज कीजिए बड़ी संख्या लेते हैं अपन 65, अब इसको कैलकुलेट करना है, राइट, थोड़ा सा टफ है, राइट, ये बहुत काम करती है। देखिए जैसा कि मैंने बताया दोनों संख्याओं का योग कितना है,
फोर प्लस सिक्स 10, जो कि एक इवन है, तो यहाँ पर मैंने 25 मेंशन कर दिया, खेल खत्म। अब यहाँ पर दोनों चीज में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के मल्टीप्लीकेशन 6 × 4 दैट इज द 24, 6 × 4 24 प्लस, इन दोनों को ऐड करिए, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, तो 24 + 5 दैट इज द 29। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, राइट। और भी एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और भी आपको चीज़ें देखनी हैं तो आप डेफिनेटली, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो आंसर देख लीजिए, 25 × 15 375 इज द करेक्ट आंसर। और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है, स्पीड मैथ मल्टीप्लीकेशन ट्रिक का एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा। 5 का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, बड़े बड़े एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया है। प्लीज़, ये DI में बहुत ज़्यादा काम करता है, कहीं परसेंटेज सॉल्व करना हो ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम करता है, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेकंड नंबर क्वेश्चंस के। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक हलवा टाइप क्वेश्चन है। 280 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/2 बराबर 170 माइनस का x, तो 4 से ये कितने टाइम्स किया, दैट इज द 70 टाइम्स। ये आपको वहीं पे करना है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो 35 बचा, 35 बराबर 170 माइनस का x, तो x बराबर कितना हो चुके, दैट मीन्स 170 माइनस 35, तो इट मीन्स 135 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओनली फॉर विदाउट पेन एंड पेपर का था क्वेश्चन, कैसे 4 यहाँ पर 4 से 280 डायरेक्ट डेस्कटॉप पे होना चाहिए, आपकी जो स्क्रीन है, लैपटॉप है, यूट्यूब है, जहाँ पर भी देखा 4 से ये कितने टाइम, दैट इज द 70, 2 टाइम्स यानी कि 35 170 माइनस 35 135 आंसर दिए और आगे बढ़ गए, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 × 1/2 ये क्वेश्चन ऐसे है, 8 × 1/2 माइनस का 4 × 5/6 ये आपका इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 × 7/12 ये आपका क्वेश्चन इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन को, 8 यहाँ पर माइनस का 4 तो प्लस का 4 बच गया, प्लस का 3 है तो 7 बच गया, यहाँ पर इजिकल टू प्लस 1/2 माइनस 5/6 प्लस 7/12, तो 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा आपका 12, यहाँ पर आपका बचा 12, तो यहाँ आपका 6 टाइम्स, राइट, ये आपका 6 टाइम्स गेम, माइनस का 10, माइनस का 10 सॉरी, यहाँ पर प्लस का 7, तो बचा कितना अपने पास, प्लस का 7 प्लस का 6 दैट इज द 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3/12, तो आपका बचा 1/4, तो 1/4 7 प्लस 1/4 आंसर्स विल बिकम 7 सही 1/4, सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। इज इट क्लियर? देखिए, किसी भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि सर ये मेरा डाउट है, जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। इससे पहले लास्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा क्लियर होगा, राइट, एक मोटिवेशंस मिलेगा आपको करने। 4th नंबर क्वेश्चंस हैं, विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चंस हैं, आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, लास्ट वीडियोज अगर आपने देखे हैं तो, विदाउट पेन एंड पेपर्स का 12 × 5 अपॉन में आपका 4 है तो 4 से यह सीधा गया 3 टाइम्स, 5 × 3 15, 15 × 8 करना है, सबको पता होता है 15 × 8 कितना होता है, दैट इज द 120 आंसर दिए और आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है SPN, आप खुद देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर, 120% ऑफ 750, राइट। देखिए, इस क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका जो मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है,
डबल एंड हाफ, इसको हाफ करिए 60% ऑफ 1500, इसको डबल कर दिया। ये भी नहीं होता, इसको फिर हाफ कर दीजिए 30% ऑफ 3000, इसको डबल कर दिया। राइट, अब तो इजीली होगा ना, परसेंटेज से 2 times 0 30 × 30, यहाँ पर आपका बच गया 900। राइट, ये आपको ये चीजें है ना लिखनी नहीं है, तुरंत दिमाग में सोचना। 120 का 750 होता है, 750% निकालना है। ओके, डबल किया हाफ, डबल किया हाफ, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए जहां पर इजी लगे। यहाँ बेसिकली तो यहाँ पर ही सॉल्व हो जाता है, 15 × 6 = 90, सबको आता है 15 का टेबल्स। तो 900 डिवाइडेड बाई एक्स इजिकल टू 25। तो 25 से इसको निकालना है, निकाल दीजिए, आपका बचा 3 times 3 times 75, आपकी बचा 15, 15 जीरो बच गया, तो 6 times आपका गया 25, 6 = 150, तो आंसर विल बिकम 36। आपको यह चीज़ एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो 120% ऑफ 75 आपके 750। ओके, 120, 100% होता है 750, 20% इसका होता है 150, 75 होता है 10%, इसका डबल 20%, तो 150 इसको ऐड करिए 900। ओके, जो आपको उचित लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए, 750 का 275 प्लस का 64% ऑफ 750, ये क्वेश्चंस अच्छा है। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, राइट, वही काम आएगा ना चीज अपने जो मैंने बताई है। देखिए कैसे होता है, 64 है तो इसको 32, इसको मैंने बोला था हाफ करिए, इसको डबल करिए 1500, इसको फिर नहीं होता तो 16% ऑफ 3000, परसेंटेज 20 निकल गई, 16 का टेबल सबको आता है, दैट इज द 48, यानी कि 10 का 10, ये 30 वाला। ओके, ये प्लस का 750 है तो इधर आके माइनस का होगा, इसको आप निकाल दीजिए एक्स की वैल्यू, तो 275, 4 और 2, 6 यहाँ पर निकल गया, तो 1 बचा यहाँ पर, 50 यहाँ पर, तो 25 यहाँ पर बच गया, 25 प्लस 80 100, 25 प्लस 80 105, यहाँ पर ऑलरेडी 100 है तो बचा कितना 5, एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास 5, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको, तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा माय डियर एस्पिरेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th नंबर। देखिए 510 अपॉन में एक्स है, रूट में 324 है, राइट, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है आपका 289 एंड 18 का होता है 384, 19 का 361 एंड 20 का 400, सबको पता है। तो 18 का स्क्वायर हो गया आपके 324 प्लस का 3.25। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको निकालना, तो यहाँ पर बच गया आपके 21.25। डायरेक्ट निकाले ऐसा नहीं है, अपने को अप्रॉक्स निकालना है आंसर, नियरेस्ट कोई टर्म्स नहीं है, 21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई काट दीजिए, राइट, 2 times 42 यहाँ पर बचा 9 and 9 0, 4 times 84 यानी कि 24 समथिंग आंसर आएगा। ओके, सी ऑप्शन दीजिए, आगे बढ़िए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें 3 point पूरा का पूरा अपने को निकालना होगा, नन ऑफ दीज होता ना तो अपन थोड़ा सा और वहां पर टाइम वेस्ट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगेन देखिए रूट का कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था 225 होता है 15 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर प्लस का 122, इसको जोड़ दीजिए, आंसर्स विल बिकम, दैट इज द 15 प्लस 9 आपका हो गया 24, 24 प्लस 22 आपके 46, 24 प्लस 22 46, 146 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
डी ऑप्शंस। कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, तुरंत पूछिए, ये स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, 12.5% ऑफ 120 प्लस एक्स इजिकल टू 45। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। अगर 12.5% की आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पता है, क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। अदरवाइज क्वेश्चंस आप विदाउट पेन एंड पेपर्स कर सकते हैं। जैसा कि मैं करके बता देता हूँ आपको, 1/8 होती है इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू। ओके 1/8 इंटू में है 120 प्लस एक्स इजिकल टू 45, तो 45 इंटू अपन 8 करेंगे तो आपके बच्चे 9 × 4 दैट इज द 360। 360 में से 120 लैस कर दीजिए, आंसर्स आज क्या जाएगा 240। कैसे? देखिए इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/8, तो 120 प्लस का एक्स यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाला है 45। ओके तो अपन ने बच गया यहाँ पर, ये 8 है इधर आके डिवाइडेड में, इधर आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 120 प्लस का एक्स इजिकल टू 45 × 8। इट मीन्स 45 × 8 है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको डबल कीजिए 90, इसको हाफ 4, 9 × 4 36, 10 का 10 जो 90 मैंने किया था, तो एक्स बराबर 360 माइनस 120 इधर आके तो बचा कितना, एक्स बराबर 240। आंसर्स विल बी कम, आप देख सकते हैं 240 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया माय डियर एस्पिरेंट्स? आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा मेरी मेहनत को। ओके नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चंस हैं, एक पावर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। ट्राई कीजिएगा घर पे, सब आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चंस मेरा डेफिनेटली होमवर्क रहता है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके ओवरऑल यही क्वेश्चंस थे आपकी 2018 के, 19 के, 2020 के, सभी तीनों पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 को। ओके सारे जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट, PDF अगर आपको चाहिए कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।